पदाधिकारी कार्यकर्ता सब नियमित कर रहे हैं, जो मंत्रियों के प्रवास और विधायकों के प्रवास, मंत्रियों के साथ मंत्रियों के प्रवास का एक उद्देश्य हमने और रखा है, हम लोग 23 विधानसभा हारे हुए हैं तो हम 23 विधानसभाओं का भी उत्तरदायित्व तो मंत्रियों को हम सौंपेंगे। विधायकों को जो उनके क्षेत्र के विधानसभा जो बूथ हम हारे हैं उन बूथों को भी हमने केंद्रित किया है, उनको भी उस काम पर हम लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले जो नगर पालिका पंचायत का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम हर बूथ जीतें। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि सरकार केवल प्रदेश में विकास की खोखली बातें करती है लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जहां एक तरफ सरकार प्रदेश भर में सभी विधायकों से उनकी विधानसभाओं से 10-10 योजनाओं का प्रस्ताव मांग रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार अपने मंत्रियों को उनके प्रभारी जिलों में नहीं भेज पाई है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का मंत्रियों पर यह भी आरोप है कि वह सरकार और संगठन द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड में मौजूद वर्तमान सरकार अपने मंत्रियों को काबू में करने में सफल और सरकार के सभी मंत्री बेलगाम मंत्री बन चुके हैं। एक तरफ तो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर एक विधायक से उनकी विधानसभा में जो विकास कार्य होने हैं उसके 10-10 प्रपोजल मांग रहे हैं 10 विकास कार्यों के, वहीं दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के मंत्री ही उनकी नहीं सुन रहे हैं। प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, उनको जिलों में प्रवास करने के लिए कहा गया है लेकिन अभी तक एक भी ऐसा वाक्य सामने नहीं आया जब मंत्रियों ने अपने प्रभार क्षेत्र में कोई गतिविधि को रूपरेखा को अंजाम दिया हो या फिर उन्होंने किसी जिले में प्रवास किया हो। ऐसे में मुख्यमंत्री की जब अपने ही दल के लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिर विपक्षी दल के नेताओं से या विधायकों से वो इस तरह के प्रस्ताव मांग कर अपना मखौल उड़ा रहे हैं। प्रदेश में जनता के बीच से चुने मंत्रियों को अपनी सरकार और संगठन की भले ही कोई फिक्र ना हो लेकिन प्रदेश की भोली भाली जनता की सुध तो आखिर लेनी ही चाहिए, लेकिन सरकार और संगठन के बार बार कहने पर भी मंत्रियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। अब यही कारण है कि राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस मामले पर मंत्रियों को जगाना पड़ा और अब तक लाख बोलने के बाद भी जिलों में कब होंगे मंत्रियों के प्रवास, कांग्रेस बोली विधायकों से क्यों मांगे जा रहे फिर प्रस्ताव, ये बहरहाल देखना होगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। धामी सरकार के मंत्रियों को जिलों का प्रभार तो मिल गया है लेकिन वो जिलों के प्रवास पर नहीं जा रहे। हालांकि संगठन इस मामले पर कई बार कह चुका है, बावजूद इसके मंत्री रात्रि प्रवास पर जाने से कतरा रहे। मंत्रियों के इस रवैये पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में फिलहाल 8 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही सीएम धामी ने जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी थी, बावजूद इसके अभी तक जिलों में प्रभारी मंत्री प्रवास पर नहीं गए। हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो जिलों के प्रभारी मंत्रियों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो जिलों में जाकर रात्रि प्रवास करें और वहां पर लोगों की समस्याएं सुने, जिले के विकास को लेकर एक खाका तैयार करें। धामी सरकार के मंत्रियों की इस कार्यशैली पर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूर्व में कुछ मंत्रियों ने जिलों का प्रवास किया है, हालांकि रात्रि प्रवास ना करके कुछ मंत्रियों द्वारा एक दिवसीय दौरे भी जिलों में किए गए हैं। हालांकि अब एक बार फिर यह संगठन ने मंत्रियों और विधायकों को लेकर राज्य भर में प्रवास को लेकर रणनीति तैयार की। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक जिलों का विस्तार करके नई टीम भी गठित कर देगी, जिसके बाद जिलों में और मंडलों पर भी किस जगह पर कौन सा मंत्री और विधायक रात्रि प्रवास करेगा इसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि कुछ मंत्री सीएम धामी और संगठन के निर्देशों को तवज्जो भी दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा 4 सितंबर को बागेश्वर जिले में रात्रि विश्राम किया गया और उसके बाद 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर को रुद्रप्रयाग जिले में प्रवास किया गया। इस दौरान उनके द्वारा रुद्रप्रयाग जिले के 2 अलग अलग जगहों पर रात्रि विश्राम किया गया। इससे पहले भी वो रुद्रप्रयाग जिले की जिला योजना बैठकों में शामिल हुए। वो इसके अलावा सतपाल महाराज द्वारा हरिद्वार जिले में कई बार जिला योजना की बैठकों और हरिद्वार पंचायत चुनाव के दौरान दौरे किए गए।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कुछ एक दौरे उधम सिंह नगर में लगाए, लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केवल एक टिहरी जिले में एक जिला योजना की बैठक भाग लेकर इतरिशी कर दी गई। उनके द्वारा टिहरी और उत्तरकाशी जिले में ना तो रात्रि प्रवास किया गया और ना ही जनता दरबार लगाया गया। वहीं सुबोध उनियाल क्योंकि देहरादून में ही रहते हैं और उनकी विधानसभा भी देहरादून से सटी हुई है, तो उन पर जिलों के दौरे को लेकर कोई खासा दबाव नहीं है। कमोवेश बाकी सारे मंत्रियों के यही हाल है। वहीं इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गर्मा दसौनी का कहना है कि सरकार केवल प्रदेश में विकास की खोखली बातें करती है, धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां एक तरफ सरकार प्रदेश भर के सभी विधायकों से उनकी विधानसभा सीटों में 10-10 योजनाओं के प्रस्ताव मांग रही है, लेकिन अभी तक सरकार अपने मंत्रियों को उनके प्रभारी जिले में नहीं भेज पाई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मंत्रियों पर यह भी आरोप लगाए हैं कि सरकार और संगठन द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद भी वो बात नहीं सुन रहे। इससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड में मौजूद वर्तमान सरकार अपने मंत्रियों को काबू करने में असफल साबित हुई है। धामी सरकार में मंत्री बेलगाम हो रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है। हम चर्चा आज इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोपाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी जपेन जी आपसे ही, क्या वाकई आपकी सरकार के जो मंत्री हैं वो बेलगाम हो गए हैं? संगठन और सरकार दोनों की बातें उनको सुननी पसंद नहीं आ रही है? देखिए, यहाँ विपक्ष के आरोप निराधार है। देश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जब उसकी सरकार हो और संगठन और सरकार मिलकर काम करें और प्रभारी मंत्रियों को जिलेवार उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए, उनके निराकरण के रास्ते तैयार कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार करती है, मंत्रियों को सबको जिले के प्रभार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें साथ में समय सीमा भी दी गई है कि ये नहीं कि उन्हें ये 2 दिन की डेट दे दी, उन्हें समय सीमा दे दी है 10 से 15 दिन की, क्योंकि सरकार की भी व्यवस्थाएं हैं, उनके मंत्रालयों की भी व्यवस्थाएं हैं, प्रदेश को भी सुचारू रूप से चलाना है, चलती हुई योजनाओं पर भी ध्यान देना है, तो उन्हें समय सीमा दे दी गई है कि ये 15 दिन का समय टर्नओवर है या 20 दिन का टर्नओवर है, आपको रात्रि विश्राम भी अपने प्रभारी जिले में करना है जहां का आपको प्रभार दिया गया है, और आपको संगठन और सरकार की तरफ से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता से जुड़कर जनता की सरकार जनता की सेवा के लिए है, जनता के लिए चुनी जाती है, जनता द्वारा चुनी गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि संगठन और सरकार मिलकर काम करें, प्रदेश की प्रगति के काम के लिए काम करें। अब विपक्ष भी तो यही चाहता है ना कि प्रदेश की प्रगति हो, तो प्रदेश की प्रगति के लिए काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने राजनीति भी करनी है। अब अगर विपक्ष सरकार की सभी योजनाओं की प्रशंसा करने लग जाए, सभी कदमों की प्रशंसा करने लग जाए, तो फिर विपक्ष की राजनीति तो जीरो होगी। ये एक टेक्निकल चीज है कि विपक्ष को अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सरकार के अच्छे कार्यों की भी आलोचना करनी पड़ती है, जो विपक्ष बखूबी कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि जनता के बीच में जाकर, जनता की बात सुनकर, जनता की समस्याओं के निराकरण के रास्ते सरकार तैयार करे, और संगठन की उस पर त्वरित नजर रहती है। तो हमें पूरी तरह से, हम लोग संजीदा हैं, सरकार संजीदा है, संगठन संजीदा है, और निश्चित तौर पर लोगों की मनोभावों के अनुरूप सरकार और संगठन मिलकर काम करते रहे और भविष्य में भी करते रहे। ठीक है, मैं वसुदेव जैदी साहब का रुख करना चाहूंगी। जैदी साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या वाकई बेलगाम हो गए हैं, मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं? देखिए यशी जी, अभी कुंवर साहब ने बड़ी लक्ष्यदार बातें की कि सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन पूरे प्रदेश में बड़े वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई भागीरथ शर्मा जी भी बैठे हैं, ये भी बता देंगे कि प्रदेश में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि सरकार चलाई जा रही। प्रदेश में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, प्रदेश में जिस तरह से निरंकुशता ही है, प्रदेश में जिस तरह से ब्यूरोक्रेट सावे हुए हैं, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि सरकार चलाई जा रही। ऐसे में मंत्रियों का प्रवास
ना होना, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे मंत्री को प्रेमचंद अग्रवाल जी को खासकर टारगेट किया गया कि वो अपने विभाग में एक भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आज तो मंत्री इस पशुपेश में बैठे हैं कि उनका मंत्रालय बचेगा या नहीं बचेगा। कुंवर जपेंद्र सिंह जी ने कहा कि उनके पास मंत्रालय भी चलाने हैं और इसके बाद उन्हें प्रवास भी करना है, इतना समय कैसे निकालेंगे। तो मंत्रियों की सीमा बढ़ाओ ना, अभी तक आपने पिछले 5 साल भी काटे तो मंत्री पूरे नहीं कर पाए, अभी भी आपके 8 मंत्री हैं, अभी भी 3 स्थान रिक्त हैं, आप वो 3 स्थान पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जो मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि चंदन रामदास जी के पास पौड़ी का प्रभार है, मुझे एक आप उनकी कोई वीडियो कोई इमेज नहीं दिखा सकते कि वो अंकिता भंडारी के आवास पर गए हों, या जो बस मृतक का इतना बड़ा हादसा हुआ, बारात वाली बस का हादसा हुआ, उसमें चंदन रामदास जी गए हों। चंदन रामदास जी ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए मुख्यमंत्री जी एक हफ्ते के बाद जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की जो मंत्री है रेखा जी वो एक हफ्ते के बाद जाती है, तो ये असल में निरंकुशता है, सरकार चला ही नहीं रहा है, सरकार जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। यशी जी के प्रदेश में कुछ चल रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अभी कल गृह मंत्रालय की जो एक बैठक चल रही है उसमें सूरज कुंड हरियाणा में, उसमें मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने साइबर थाने की व्यवस्था करा दी है, अब कोई भी अपनी रिपोर्ट कर सकता है तो एकदम तत्काल उसके ऊपर कार्यवाही होती है। वो एक ऐसे प्रदेश की बात करें जिसकी 60% पुलिस को पटवारी पुलिस देखती है, और जो डिसीजन लेने थे उस पर कैबिनेट बैठक के अंदर भी जितने थाने बनने थे आपने देखा कि वो थाने की प्रोसेसिंग अभी तक पूरी स्टार्ट नहीं हो पाई है। जो बारात के अंदर उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम 2 दिन के अंदर तत्काल उन्हें मुहैया जो जो एक राहत राशि है वो हम उन्हें पहुंचा देंगे, 21 दिन के बाद भी पूरी नहीं पहुंच पाई है। तो इस तरह की निरंकुशता है सरकार के अंदर, तो ये बड़ा पहलू है। जो मंत्री के स्थान रिक्त हैं वो पूरे होने चाहिए, मंत्रियों की स्पेशल ड्यूटी लगनी चाहिए। आप जिला योजना के प्रस्ताव तो मांग रहे हैं विधायकों से, आप एक बार जाकर जिलों की स्थिति तो देख पाने में असमर्थ हो रहा हो, तो ये बड़ा एक पहलू है यशी जी, इसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। ठीक है जयदीप साहब, देखिए मैं जपेन जी आपसे जवाब लूंगी, जो तमाम आरोप लगे हैं इन पर भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जरूर लेना चाहूंगी। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, दर्शन डोभाल जी क्या मानना है आपका, सरकार के जो मंत्री है वो बेलगाम हो चुके हैं जयदीप साहब की बात से इत्तफाक रखते हैं या जपेन जी की बात से? दर्शन डोभाल जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आप अनम्यूट कर दिया। जी देखिए ऐसा यशी जी की सिस्टम नीचे से ही खराब है, सिस्टम ऊपर से ही खराब है। नीचे जो कार्यकर्ता है जो बेलगाम हो गए, जो इनकी बात नहीं सुन रहे, मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे, उन्हें पता है कि ऊपर जो हमारे जो हाईकमान में बैठे हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जिस तरह से वो देख रहे हैं कि सारे मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं, और जो लगातार अभी जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में जो अभी घटनाएं हुई है कुछ समय से, कार्यकर्ता ये सब देख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दुखी है और बहुत इस बात से आहत है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद एक सरकार किसी भी एक चीज के लिए अंजाम तक नहीं पहुंची है। अब जैसे कुंवर जपेंद्र जी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि विपक्ष का काम है कि वो सरकार के कामों की आलोचना करना, सरकार के अच्छे काम, उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कामों की आलोचना करते रहता है, ये उनका काम है, उनके पास राजनीतिक चमकाने का यही मतलब है। तो मैं इनके कुछ अच्छे काम याद दिलाता हूँ, भूल जाएंगे क्योंकि एक के बाद एक इनके अच्छे काम करते जा रहे हैं। जैसे यूके ट्रिपल एससी में जो है क्या हुआ, पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा है। दूसरे बाद उसके बाद अंकिता हत्याकांड हुआ, उसके लिए इनका ये भी अच्छा काम था। उसके बाद एक और अच्छा काम इनका था कि उत्तराखंड में यूपी की पुलिस उत्तराखंड में आकर के एक महिला जो जनप्रतिनिधि की वाइफ होती है उनको मार करके और पुलिस वालों को पीट मार करके उत्तराखंड चले जाते हैं, उसके ऊपर जो है इनने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, बोल नहीं पाए, बड़े भाई के डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो उनका एक अच्छा काम हो गया। ठीक है, और आए दिन कोई ना कोई हादसा, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि मुझे लगता है ऐसा जंगल राज बिहार में भी नहीं था लालू के समय में, जो अभी उत्तराखंड में है। तो आलोचना मतलब इसकी अगर आलोचना नहीं करनी चाहिए तो किस बात की आलोचना होनी चाहिए बताइए, ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि ये जो अभी इनको 10-10 प्रस्ताव 10-10 प्रस्ताव मांगे गए थे मुख्यमंत्री जी द्वारा,
ना तो उसमें कोई कुछ हमारे सामने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव हमने इन्होंने कोई काम किया हो ग्रास रूट पर इसमें जमीनी स्तर पर कि वो वहां की समस्याएं पूछकर आए। और समस्याएं तो उत्तराखंड में समस्याएं समस्याएं, क्योंकि सरकार तो घोटालों में उलझी हुई है, अपने जो है जो घोटाले हुए उनको पर्दा डालने में जो पूरी ताकत लगाई हुई है उसमें उलझे हुए हैं, तो विकास कहाँ से होगा? विकास का तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो सकती कि विकास कोई बात करे ऐसी हालत में। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है पूरी तरह से ये निराश भी हो गया, पूरी तरह से मुझे लगता है कि अब हमारे बस का कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि इनके भी अब सर से पानी ऊपर हो गया है और इनको संभालना मुश्किल हो गया है। और ऐसी हालत जो अभी उत्तराखंड में, मैं तो कहता हूँ ऐसी हालत में तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था यहाँ पर। जवाब देना चाहिए, देखिए जो इनके अंकिता हत्याकांड जो है, देना चाहेंगे। ठीक है नपेन जी, आप जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं और लोगों की प्रतिक्रिया लूं। प्लीज, बहुत कम शब्दों में। ने कहा यूपीएससी वाले मामले में पहली बार उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर 41 लोगों को जेल भेजा गया, उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाकर पहली बार सर 40 बार भी आ गए, बार भी आ गए। हम जवाब जवाब ले लीजिए, क्योंकि हमने बीच में हम बीच में आप जवाब ले लीजिए, प्लीज आप जवाब ले लीजिए, हम बीच में रोके हमारा जवाब सहमत, ये आपका अधिकार है, लेकिन हम जवाब दें तो उसे आप सुनिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड की बेटी के साथ जो दुराचार हुआ और जो प्रत्यक्ष हुआ, उसके दोषियों को तुरंत निलंबित किया गया, उसकी पूरे प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों ने बर्खास्त करी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका, राज्य सरकार ने उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने का निर्णय लिया और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें सजा मिली। आपने तीसरा उधम सिंह नगर जिले की बात करी, अगर किसी पड़ोसी पुलिस की आपराधिक मानसिकता के लोग प्रदेश में आके इस तरह का कृतज्ञ करते हैं तो हमारे तुरंत पुलिस अधिकारियों का उसमें बयान आया, उनके खिलाफ FIR लॉज हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि सरकार सोई हुई है, सरकार थोड़ा सा जवाब कर लूं। नहीं प्लीज जरी साहब रुक जाइए। जपेन जी आप अपना से जवाब दीजिएगा प्लीज, मुझे भी और लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है। अभी शांति प्रसाद जी से भी मुझे सवाल जवाब के पीछे तक पहुंचाना। ठीक है जपेन जी, शांति प्रसाद जी पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड सरकार से जनता ने जो उम्मीद लगाई थी कि शायद उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर आएगी तो जिन बुनियादी सवालों पर इन्होंने वादे किए हैं उस पर काम होगा, शायद सरकार की भी मंशा यही रही होगी, इसीलिए अपने प्रभारी मंत्रियों से ये उम्मीद कर रहे थे कि ये रात तक प्रवास करेंगे अपने क्षेत्र में और जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उस पर काम होगा। अब आप एक चीज देख लीजिएगा, लगभग साल होने को है सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रही है जी। अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भ्रष्टाचार के जितने मामले खुल रहे हैं उस पर सरकार काम करने को तैयार नहीं है। मैं उदाहरण आपको जो है, कृषि के डायरेक्टर हैं कोई हरेंद्र बवेजा जी, लगातार उनके लिए मामला उठ रहा है कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उनके प्रभारी मंत्री जो देहरादून में बैठते हैं चुप हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और जो कृषि विभाग के मंत्री हैं वो 15 दिन में कार्रवाई करने की बात करते हैं और अभी तक उस पर 1 इंच मात्र काम नहीं होता। ये तब है जब अस्थाई राजधानी देहरादून के अंदर पत्रकारों के द्वारा घोटाला खोला जा रहा है RTI एक्टिविस्टों के बाद, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर फिर वो हर किसी मामले पे, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर देखते हो तो दोनों डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी, और इन दोनों सरकारों के मातहत काम करने वाला गृह विभाग, उसके मातहत काम करने वाली पुलिस आपस में एक दूसरे का सिर फुटव्वल कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालात इस राज्य के इतने खराब हैं कि एक सीनियर IAS को ये बोलना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की करप्ट प्रैक्टिस, जिस कारण जो है निर्दोषों को ये पलक पकड़ लेते हैं वाई वाई लूटने के लिए। उसके बाद दोनों राज्यों के जो है ऐसे हालात हो जाते हैं जिससे दोनों जगह इनकी किरकिरी होती है। ये तो जमीनी हकीकत है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, मंत्री बेदाग बनकर अभी भी उत्तराखंड के अंदर ट्रांसफर के नाम से भी पैसा कमा रहे हैं, हार कर शर्म कर मुख्यमंत्री को उन पर रोक लगानी पड़ रही है। ऐसे में ना हाकम सिंह के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है, जितने भी UKSSC के पकड़े गए थे वो सारे जमानत पे बाहर आ रहे हैं और बाद में वो अपने केस को प्रभावित कर बाहर निकल कर आएंगे।
विधानसभा के अंदर वाई लूटी हमने, 250 आदमियों को बाहर किया, हाईकोर्ट ने गलत पैरवी करने के कारण उनको सीधा सीधा बहाल करने की बात कर दी, स्टे लगा दिया उनका निकालने लंबन में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि वो आखिर किस कारण ऐसी गलतियां हुई, प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। अंकिता मर्डर केस में आप देख लीजिएगा कि पुलिस वाले धारा 34 लगाते हैं और 34 धारा 302 के साथ वो चीज तय करती है कि इसमें एक से ज्यादा अपराधी हैं, और विनोद आर्य जो कि खुलेआम घूम रहा है, जो थाने में जाकर कहता है मेरा बेटा निर्दोष है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ऐसे में उस विनोद आर्य पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, नौजवान सड़कों पर अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपके मंत्री अगर अपने प्रभारी क्षेत्र में जाकर करेंगे क्या। उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री हैं वो तो स्वयं इस समय पर जेल जाने की स्थिति में, तो क्या वो दूसरा हकम तैयार करने के लिए रात्रि प्रवास की बात कर रहे हैं। इसका मंत्री को जवाब देना चाहिए और खत्म कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का प्रपंच कर रही है उससे सिवाय उत्तराखंड को नुकसान होने के और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो तराजू वाली मानसिकता की पार्टी है, इसने पूरे उत्तराखंड को बेच खाया है, उत्तराखंड के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है। ये बताने को तैयार नहीं है कि प्रभारी मंत्री अगर मंत्र अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। इससे पता चलता है कि फेलियर सरकार है और यह सरकार उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी घातक सरकार बनेगी। ठीक है, भागीरथ शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। प्रतिशत शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको, रिझाइए बावर्ची। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, इस 6 महीने के कार्यकाल को आप किस तौर पर देख रहे हैं? प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में हम नंबर एक पर हैं, जनता का भरोसा हमारी सरकार पर बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी, अभी क्या अभी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे पास सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेस ब्रिज वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं, 17 एयरपोर्ट्स हमारे संचालित होने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हुआ है, अस्पतालों में चिकित्सक बैठ रहे हैं, समय से उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, जाँचें हो रही हैं। लेकिन अभी भी सर काफ़ी कुछ बदलना बाकी है। हम लगातार काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को रोड मैप के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? अब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं जी। पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भारत आकर के उत्तर प्रदेश आकर के यहाँ अपना उद्योग लगाएंगे और हम हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी होगी। पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, क्या धामी सरकार के मंत्री बेलगाम हो गए हैं, जो सरकार और संगठन दोनों की बात उनसे नहीं सुनी जा रही है। चर्चा में इसी पर लगातार कर रहे हैं भागीरथ शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भागीरथ शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि मंत्री बेलगाम हो गए हैं, तो वहीं जपेन जी का भी जवाब आपने सुना होगा, उनका कहना है एक समय सीमा है, उनको जब वक्त मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन इनकी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की बात करें हम, तो पुष्कर सिंह धामी भी कई बार कह चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी मंत्री नहीं जा रहे। देखिए, राजनीतिक बातें, आरोप प्रत्यारोप, गिले शिकवे सब हो चुके हैं, और मुझे जैसा बताया गया है मैं विषय पर बात करना चाहूंगा, और मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूँ जी। देखिए, जो ये विचार था प्रभारी मंत्री का, इस विचार का जब उद्घाटन हुआ, उद्देश्य ये था कि सरकार जनता के द्वार जाए। बहुत अच्छा उद्देश्य रहा, और उसी क्रम में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, और कतिपय मंत्रियों को ज्यादा फोकस किया गया है कि वो अपने क्षेत्रों की प्रभार वाले जिलों की जो है उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, वहां नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। देखिए, कोई जिला जो है किसी भी राज्य की बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है, और जिले में जो जिला योजना समिति होती है उसका जो उस समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करते हैं, और उसमें जो जिला योजना के तहत जो भी योजनाएं प्रस्तुत होती हैं उनका पारण होता है, बजट का आवंटन होता है, और उनको निश्चित समय अवधि में उनको पूरा भी करना होता है। और यदि कोई मंत्री केवल उसको चेयर करने के लिए, जिला योजना समिति की बैठक को केवल खाना पूर्ति के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बहुत ही जो है जो सरकार की का जो उद्देश्य है वो प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि जिला योजना में आपने बजट आवंटन कर दिया, विभिन्न विभागों के माध्यम से जिला योजना के कार्य संपादित होते हैं, और वो समय पर संपादित हों तो समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो प्रभारी मंत्री सक्षम होते हैं कि जिला स्तर पर तो विभागीय मुखिया जो हैं और जिनको योजनाओं का आवंटन हुआ है वो जो कार्य उनको सौंपे गए हैं उनकी स्थिति क्या है, और उनका जो प्रगति की समीक्षा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो जिला योजना की जो काम है, जिसमें जो सबसे छोटी इकाई है, गांव लोग हैं, उनके लिए भी उसमें कार्य होते हैं, तो इसीलिए जो जन आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जिला योजना समिति बहुत ही कारगर जो है एक मैं समझता हूँ कि टूल है, और उसकी उपेक्षा निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में ये देखा गया है। खासकर हरिद्वार में भी ये स्थिति रही, क्योंकि वो चुनाव नहीं हो पाए थे पंचायतों के, तो उससे जिला योजना समिति ही अस्तित्व में नहीं आ पाई। काफी लोगों को जो आकांक्षाएं रही होंगी, करीब लगभग 7-8 महीने बहुत बुरी तरह प्रभावित रहा सारा कार्यक्रम। तो जिस तरह एक बात ये कही जा रही थी कि पौड़ी और पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री संभवतः चंदन राम दास जी हैं, और पिछले कुछ काफी समय तक वो अस्वस्थ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इस कारण वो पहुंच नहीं पाए होंगे, हालांकि अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं उन्हें कि इतने लापरवाह व्यक्ति नहीं हैं। अभी समय है और जिला योजना के जो कार्य हैं वो हो रहे होंगे, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो रात्रि प्रवास की बात है जी। निश्चित रूप से उससे जो है जनता से तो संवाद बनता ही है, मंत्री को ये समझने में भी सुविधा होती है कि क्षेत्र की समस्याएं किस प्रकार की हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कौन प्राथमिकता वाली समस्याएं हो सकती हैं जिनका निराकरण कराया जाए, और एक अच्छा फीडबैक भी मिलता है कि सिस्टम किस गति से काम कर रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
जो विकास से जुड़े विभागों के अधिकारी हैं, तमाम अन्य जो हैं और जो सर्विस डिलीवरी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, तो वो किस तरह काम कर रहे हैं, इस प्रकार के फीडबैक भी मंत्री को मिलते हैं और सरकार को फीडबैक आता है तो उस व्यवस्था में सुधार के लिए उनको जो है एक बिंदु मिलते हैं। तो निश्चित रूप से पिछले 5-6 महीनों में कुछ जिलों में ये शिकायतें आई हैं जरूर जी। और वो क्यों आ रही हैं, मंत्री क्यों व्यस्त हैं, कहाँ व्यस्त हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सरकार या संगठन के जो निर्देश हैं, जो सरकार की अपेक्षा है, तो क्या वो उसमें खरा नहीं उतरना चाहते, ये शिकायतें काफी हद तक जायज भी लगती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो प्रभारी मंत्री वाली व्यवस्था अगर कारगर साबित नहीं हो पाती है, कि जैसी की बातें की ही जा रही है, अब ये बात तो हो रही थी कि विपक्ष जो है वो तो अच्छे काम की भी आलोचना करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम लूंगा, जब उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री धामी जी के कई इनिशिएटिव ऐसे रहे, उनकी प्रशंसा भी की है, तो ये कहना कि अच्छे कार्यों की भी उनकी भी आलोचना होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा काम अच्छा होता है तो जनता का जो नेता का रिफ्लेक्शन होता है वही होता है, तो जो जनता की प्रतिक्रिया होती है, अगर जनता की प्रतिक्रिया अच्छी है सरकार के प्रति, तो नेता चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्तारूढ़ दल का हो, वो उसकी प्रतिक्रिया को ही अपने बयान में अपने उसमें शामिल कर लेता है, तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर जनता उससे भी नाराज हो जाएगी जी। मैं ये समझता हूँ कि जब विपक्ष ने ये सवाल उठाया है और मंत्रियों के, तो सरकार और जो है इस पर जो है ध्यान देगी और ये सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी कि प्रभारी मंत्री अपने जनपदों में केवल उड़ते हुए दौरे न करें, बल्कि वहाँ जो उनके प्रभार वाले जिले के जो जिला योजना के जो कार्य हैं उनके प्रगति की समीक्षा करें, और कम से कम 2-3 माह में तो कर ही ले जी, ताकि उनके समय पर उनका संपादन हो जाए। तो ये शिकायत फिर क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो जनता निराश होती है, जनता की शिकायतें बढ़ती हैं, और वो सरकार और संगठन सत्तारूढ़ दल दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। उम्मीद करेंगे कि आपकी ये जो बहस है, ये बहस जो है जहां भी जिस स्तर पर इस तरह की शिकायतों को करने का जो जो कारण बना है, उस कारण को समाप्त करने में आपकी ये डिबेट जो है महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं जी। वसी जैदी साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे। वसी जैदी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? यसी जी, मैं बहुत सहमत हूँ भागीरथ शर्मा जी की बात से। जिस तरह से भागीरथ शर्मा जी ने वाकई कहा है कि अच्छे की तारीफ करती है विपक्ष, अच्छे की तारीफ करता है सरकार, कुछ अच्छा करती है तो हम लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो सरकार क्या तारीफ की जाए। दूसरा, जिस तरह से भी कुंवर जतेंद्र सिंह जी ने कहा था कि विपक्ष की तो मजबूरी है, इसी तरह से भाजपा के प्रवक्ता की भी मजबूरी है, इन्हें बुरे को भी अच्छा कहने की दिल मारकर भी ना कहना पड़ता है कि वाकई प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, भले इनका दिल ना गूंज रहा हो। मैं वह साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जिस संकिता भंडारी केस में SIT का अभी तक का रिपोर्ट काट रहा है, अभी तक कुछ VIP का खुलासा नहीं हुआ है, बुलडोजर प्रक्रिया के पीछे कौन था उस बात का खुलासा नहीं हुआ है अभी तक हाई कोर्ट को, जहां तक मेरी जानकारी है, वो जतेंद्र जी मुझे करेक्ट कर देंगे कि जो फास्ट ट्रैक के लिए प्रपोजल भेजा जाना था सरकार के द्वारा हाई कोर्ट को, अभी तक शायद नहीं भेजा गया है क्योंकि अभी तक फास्ट ट्रैक का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। भारत वाले मामले में आपने देखा कि 21 दिन के बाद भी पूरी धरना से नहीं दी गई है, तो लेकिन मजबूरी है भाजपा के प्रवक्ताओं की, उन्हें कहना पड़ता है कि सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी भागीरथ शर्मा जी ने जो बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ कि जिस तरह से जनता के द्वार पहुंचने तक सरकार को, जनता ने दूसरी बार एक बार ऐसा बड़ा रिपोर्ट बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हुई है, पुष्कर सिंह धामी जी के नाम से चेक किया जाए या कोई भी उसके पीछे का मामला हो, लेकिन भाजपा को रिपीट होने का मौका मिला है प्रदेश के अंदर। दूसरा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी जी का शुरू हुआ है, तो उसके बाद बड़ी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन सरकार उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। UK SSSC पर आप वाह नहीं लूट सकते, UK SSSC पर अभी भी जो दूसरे अध्यक्ष थे
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जिस तरह से आरबीएस रावत जी का कार्यकाल रहा था उसके बाद एस राजू का कार्यकाल भी रहा था, तो आप वाहवाही नहीं जुड़ सकते अभी तक, तो शासक जी के हकीम का पता नहीं चला है जो इतनी बड़ी बैक सपोर्ट कौन करता था, ठीक है जैनी साहब। देखिए अब इसका जवाब मैं जपेन जी से यहाँ पर लेना चाहूंगी। जपेन जी बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। जपेन जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद मैं वापस डोभाल जी आपका रुख करूंगी। देखिए जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी भागीरथ जी ने पूरी तरह से इस डिबेट के मूल की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। सरकार संजीदा है, सरकार और संगठन प्रदेश के हित में जितना हो सकता है उससे बढ़कर करने का प्रयास करता है। उसी का नतीजा है कि प्रभारी मंत्रियों को एक रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब दे के निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। हाँ, जहां थोड़ा सा जिन प्रभारी मंत्रियों की स्वास्थ्य की वजह से या और चीजों की वजह से वो अभी तक नहीं जा पाए हैं या रात्रि निवास उनका अभी तक संभव नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो होना नहीं हो, निश्चित तौर पर रात्रि निवास भी होगा उनके प्रभारी जिले में, उनकी उनके द्वारा समस्याओं को सुना भी जाना है, जिला योजनाओं में जो उनकी भागीदारी है, जो उनकी अपनी उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो भी उसमें रहना है ताकि उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जाए, जिला योजनाओं का कहीं मिसयूज ना हो और वो जिले की जनता को लाभ पहुंचे। सरकार जनता के द्वार तक जाने का जो प्रयास है, संगठन और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि ये जनता का अधिकार है और जनता के अधिकार के अनुरूप सरकार को आगे बढ़ना होगा। अब जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी निश्चित तौर पर सरकार सख्त है, हमारा पुलिस विभाग सख्त है, हमारे अधिकारी समय समय पर कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पिछले 22 वर्षों में जपेन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जपेन जी की आवाज शायद हम तक नहीं आ पा रही। दर्शन डोभाल जी, देखिए यश जी, ऐसा है कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ श्रीमान जी ने जो कुछ बातें कही, वास्तव में मैं एक बात उनकी रिपीट करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि विपक्ष में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके ही चैनल पर अभी कुछ दिन डिबेट हुई थी जब सीएम धामी ने बाबा केदार की कसम खाई थी कि अब जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और हम जो तुरंत सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो हमने उस दिन भी तारीफ करी थी और हमने उम्मीद जताई थी कि बाबा केदार से बड़ी कसम कोई हो नहीं सकती, और जब उन्होंने कसम खाई थी तो हमें उम्मीद थी कि बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप उसके बाद देखिए। और मैं अगर कुंवर जपेंद्र जी जो भाजपा के आज प्रवक्ता है, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे, कृपया मैं उनसे चाहूंगा जब उनका टर्न आएगा तो इस बात का जवाब जरूर दे कि आप ये बताइए सर कि जितने भी ये आजकल जो घटनाएं हुई है, मैं चार घटनाओं का जिक्र करूंगा। यूके ट्रिपल सी में आपने क्या किया, आपने एक तरफ तो गिरफ्तारियां करी, दूसरी तरफ आपने जो है उनको रिलीज करना शुरू कर दिया, और मुझे इसमें यह भी शक है कहीं ना कहीं सरकार का पूरा सपोर्ट है उनको रिहा कराने में और कोर्ट की कार्रवाई जो है कमजोर कराने में, उस केस को कमजोर कराने में पूरी भूमिका, क्योंकि ये जो पैसा आया था इसके माध्यम से यूके ट्रिपल एससी में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब में, जो इसमें दलाली में जो पैसा आया वो सरकार तक गया है, और सरकार को जब पैसा गया है तो उनको उनका फर्ज बनता ही है कि वो उनको बचाने का प्रयास करें, और ऐसा हुआ भी है। ये तो इनकी मैं जो सारी चार जो मैं घटनाएं बता रहा हूँ इसमें इनके प्रश्नचिन्ह तो शुरू में ही लग गए थे कि जब ये पहले तो बुलडोजर ले जाने को तैयार नहीं थे, पहले इनको जेसीबी मशीन नहीं मिल रही थी, जब बड़े मुश्किल से दबाव बना, जब यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में इनके ऊपर प्रेशर आया पूरे चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और जनता का प्रेशर पड़ा, तो इन्होंने 3 बुलडोजर वहां पर दिखाए, लेकिन बुलडोजर ने कोई काम नहीं किया वहां पर, वो डर के मारे कुछ नहीं वहां पर जो है आदमी को ऊपर चढ़ाए, भाई उसको जो है एक एक नट बोल्ट गिन करके जेब में रखे गए, आपने देखा होगा बिल्कुल लाइव कार्यक्रम चल रहा था, एक एक नट बोल्ट भी हाकम सिंह को गिन के दिए गए, भैया तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, खोलना पड़ा, दबाव था, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, चादरे बिल्कुल बढ़िया से उतार करके उसको दे दिया। तो इनकी मंशा पर एक वहां पर सवाल लग गया था। दूसरी बात, अंकिता हत्याकांड में
वहां पर इन्होंने सबसे बढ़िया काम ये कर दिया कि जो मुख्य जो जहां पर जो सबूत जो जगह थी जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया, जहां से सबूत मिल सकते थे, वो वहां की क्षेत्रीय विधायक आकर के खुद वहां पर बुलडोजर तुरंत चला देती है, उसको तहस नहस करके सारे सबूत खत्म कर देती है। तो वो वहां पर इन्होंने केस को कमजोर कर दिया। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि विधानसभा घोटाला, एक तरफ तो इन्होंने बड़े दबाव के बाद में सारी जो नौकरियां थी वो निरस्त करवा दी, और दूसरी तरफ उससे पहले तैयारी कर चुके थे। अब दो बातें हुई है, या तो उन्होंने मैडम खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है या तो उनके साथ धोखा हुआ है, या तो उनके साथ धोखा हुआ है, इन्होंने उनके साथ धोखा किया कि उन्होंने घोषणा कर दी और उन्हें इधर से कोर्ट में जो है मजबूत पैरवी करा करके उनको रिहा करा दिया, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे जो मजबूत वकील है जो उनको जिसे रिहा कराए, देखिए जिसने उनको जिस वकील ने इस केस को इतना मजबूती से लड़ाया कि उनको आज इतने जल्दी जेल से बाहर निकाल दिया है, तो मुझे लगता है सरकार ने वहां भी कहीं ना कहीं मदद की है, उसको मोटा मोटा पैसा दिया क्योंकि वहां भी चंदे का पैसा आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी कार्रवाई, और मुझे बताइए एक और घटना का जिक्र यहाँ पर, दर्शन डोभाल जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, जपेन जी से जवाब देना। अब यूपी की पुलिस जो यहाँ पर जो घटना करके गई, मार के गई, पीट करके गई, हत्या करके गई, उसमें आपने अभी तक सिर्फ एफआईआर दर्ज करना आपका फर्ज था या कुछ आगे भी हुआ है, ये भी हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, प्रदेश की जनता सुनना चाहेगी। और एक बात कहना चाहता हूँ अंत में कि इनकी कार्रवाई की का पता इसे चलता है, अभी हाल ही में डीएस संधू के ऊपर 11 साल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या इससे पहले धामी सरकार नहीं थी 5 साल तक, तब उनको यह ख्याल नहीं आया? और उससे पहले 20 सालों तक लगातार भाजपा कांग्रेस की सरकार रही, इनको पता नहीं। ठीक है, जपेन जी जवाब दीजिए। ठीक है, दर्शन डोभाल जी प्लीज, हमारे पास चूंकि वक्त की भी कमी है, जवाब भी लेना है। देखिए, आप न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार हमें किसी को, अपराधी होता है, सरकार का काम है अपराधी को बेनकाब करके सलाखों के पीछे पहुंचाना। अब न्यायपालिका अवेलेबल ऑफेंस है या नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, आप जमानत का मतलब ये नहीं होता कि किसी को जमानत मिल गई तो वो अपराध मुक्त हो गया या उसे सजा नहीं मिलेगी। अभी ट्रायल चल रहे हैं, अभी उसमें चार्जशीट फाइल होनी है, चार्जशीट का उसमें साक्ष्य जुटाए जाने हैं, कोई भी अपराधी बच के नहीं जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का वायदा है कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जपेन जी, अभी डोभाल जी कह रहे थे कि हाकम सिंह को आपका समर्थन मिल रहा है, हाकम सिंह को भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दे रही है जी, आप सवाल दोहराएंगे जी? दर्शन डोभाल जी अभी इस बात को कह रहे थे कि आपकी जो पार्टी है वो यहाँ पर हाकम सिंह को अपना समर्थन देती नजर आ रही है। हाकम सिंह को समर्थन दिया हुआ होता तो हाकम सिंह आज जेल के अंदर नहीं होता। भ्रष्टाचारी है जो प्रदेश के संसाधनों से खिलवाड़ करेगा, प्रदेश की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, प्रदेश की आर्थिकी को नुकसान देगा, निश्चित तौर पर वो सलाखों के पीछे ही उसकी जगह है। भ्रष्टाचारी मतलब भ्रष्टाचारी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल एजेंडा बिल्कुल क्लियर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। ठीक है, और दूसरा उन्होंने अभी अंकिता भंडारी केस को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि आपने सबूत मिटाने का काम किया, दोषी अभी भी पकड़े नहीं गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ले जाने का निर्णय ले चुकी है और सरकार पूरी तरह से उस पर सरकार की नजर है, माननीय मुख्यमंत्री की नजर है। उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कठोर दंड का भागीदार है और सरकार उसे कठोर दंड तक ले जाके ही चैन से बैठेगी, ये मुख्यमंत्री का भी वादा है और प्रदेश सरकार का भी वादा है। ठीक है, शांति प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं? ऋषि जी, सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सफाई से झूठ बोल देती है। वो ये सोचती है कि उत्तराखंड की जनता इन चीजों को नहीं समझ रही है। हाकम सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई है तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जेल क्यों नहीं है? अगर हाकम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट है तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल पर गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं है? और यदि प्रेमचंद अग्रवाल ईमानदार थे तो फिर विधानसभा से वो 250 लोग हटाए क्यों? और यदि वो 250 लोग हटाने ही थे तो फिर उस ऐसी कच्ची पैरवी क्यों करी कि आपको वो सारे लोग जो है हाई कोर्ट से राहत लेकर आ गए? अगर इसके मूल जड़ में जाओगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है,
जनता को धोखा देना, राज्य के संसाधनों को लूटना। ठीक है, भागीरथ जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी बहुत कम शब्दों में। बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की आंखें भूल जाने का काम। जपेन जी वक्त की हमारे पास बहुत कमी है, वरिष्ठ पत्रकार जी का मैं प्लीज रुक करना चाहूंगी आप पर। भागीरथ जी ये झूठ और बेईमानी पे चलने वाली सरकार। ठीक है शादी प्रसाद जी, भागीरथ जी अनम्यूट करें खुद को। चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है, राजनीतिक दल के लोग हैं और उन्हें भी एक मंच चाहिए अपनी बात को रखने का, और सबने अच्छी बात की और उद्देश्य सबका यही है कि सरकार लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में सामने आए और उसके जो मंत्रीगण हैं वो अच्छा काम करें। कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे जो करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को उनको दंडित किया जाए, और जो दुराचारी लोग हैं कम से कम उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सबकी अच्छी भावना है और उस सबके बीच और विकास में भी, चूंकि 22 साल हो गए हैं, अभी बहुत बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम कहीं सही सड़क संपर्क मार्ग नहीं है, कहीं पेयजल व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं अभी विद्युत आपूर्ति अमूमन हो तो बिल्कुल। भागीरथ जी देखिए, हम यही कह रहे हैं कि मंत्रियों के प्रवास पर उन्हें जाना है, उन्हें तमाम जो उनकी समस्याएं उन्हें सुननी है। जपेन जी हम यही उम्मीद करते हैं, माफ कीजिएगा हमारे पास वक्त की बहुत कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां पर आज हम बात कर रहे हैं संगठन और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आदेश को भी मंत्री नहीं मान रहे हैं धामी सरकार के। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं गांधीनगर से गुजरात कैबिनेट का बड़ा फैसला, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उत्तराखंड के बाद गुजरात में लागू होगा यूसीसी। गुजरात में चुनाव से पहले राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव में पहले यूसीसी की तैयारी शुरू। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनेगी कमेटी। गुजरात सरकार यूसीसी के लिए बनाएगी कमेटी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में लागू होगा यूसीसी, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। बता दें आपको कि सीएम के पास कमेटी बनाने की जिम्मेदारी। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी, कमेटी ने किया ऐलान। आपको बता दें कि गुजरात कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, कमेटी गठित करने को मिली मंजूरी। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। बता दें कि गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले ये एक बड़ा दांव खेला है, विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी की तैयारी हुई शुरू। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनेगी कमेटी। कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी है। बता दें कि ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाओं को तलाशेगी, इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। यूसीसी कमेटी में कम से कम 4 सदस्य होंगे। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दुर्गेन जी, एक बड़ा फैसला गुजरात कैबिनेट में, ये बड़ा फैसला लिया गया कि यूसीसी लागू किया जाएगा, कहीं ना कहीं गुजरात में चुनाव है उससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल? ऋषि, ये खबर जैसे ही आई मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए।
तो ये यूसीसी लाने की अचानक चुनाव के वक्त क्या जरूरत पड़ी? और ये चुनाव के वक्त नहीं, मुझे लगता है अगर चुनाव आयोग घोषणा करता तो अब तक चुनाव घोषित हो चुका होता, आचार संहिता लग चुकी होती। ये तो विपक्ष लगातार इस बात को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है कि चुनाव का वक्त हो चुका, चुनाव घोषित किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर इस तरीके की चीजें, चूंकि रैलियां हो जाएं, यात्राएं हो जाएं, प्रधानमंत्री के दौरे हो जाएं, योजनाएं हो जाएं, आज नियुक्ति पत्र भी वहां के मुख्यमंत्री ने बांटे हैं 5,500 करीब, तो ये सब सारी चीजें हो जाएं, तो इसी यही सवाल है कि 5 साल से ये सरकार करती क्या है गुजरात की, अभी अभी तक इसने क्यों ये सब काम, जो अभी लास्ट एंड वक्त पर यूं कहें कि ये इलेक्शन पीरियड ही है, इसको परोक्ष रूप से मानने की आचार संहिता का समय है, ये भले ही घोषणा नहीं की कि ठीक है आयोग आपके हाथ में, आयोग को जो करना है वो करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐन चुनाव के वक्त इसको जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद क्या है। जैसे ही आप इसको अगर कोरिलेट करें उत्तराखंड को लेकर कोरिलेट करें, बिल्कुल, उत्तराखंड में यही स्थिति थी, आम आदमी पार्टी वहां तीसरा प्लेयर था, कांग्रेस की स्थिति बहुत वहां ठीक स्ट्रांग नजर आ रही थी, बीजेपी लग रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी वहां, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो बहुत 3 महीने 90 दिन के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदे अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर उनकी सरकार दोबारा आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे, और इस ठीक इसी तरीके से यहां पर भी ऐन वक्त पर, तो ये इतने सारे फैक्ट एकदम चुनाव के मौके पर बीजेपी और जो उसकी सरकार, इसको क्यों करने पड़ रहे हैं, बार बार यही सवाल उठ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी अपने आप को थोड़ा सशंकित मान रही है, वहाँ थोड़ा डरी, वहाँ के जो लोकल लीडरशिप वो थोड़ा डरी नजर आ रही है। लेकिन अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, मैं सीधे सीधे, ठीक है, ये एक एक नेट उस सेल में अगर इसको देखा जाए तो ये कहा जा सकता कि भाई ठीक है, एक राष्ट्र, एक एक संविधान, एक विधान, एक झंडा, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 5 साल में आप क्यों नहीं लाए, ऐन वक्त पर चुनाव के वक्त क्यों नहीं लाए, क्यों आप इसको लेकर आए, और क्या मकसद है इसका? मतलब ये है सीधे सीधे उन मतदाताओं को संदेश देना है जो दूसरे वर्ग के हैं, और उन मतदाताओं को ये बताना है कि हम ये कर रहे हैं जो दूसरे वर्ग के हैं, तो कुल मिलाकर सीधे सीधे वोटों का ध्रुवीकरण मुझे जो सीधे दिख रहा है कि चुनाव के वक्त पर इसको लाने का मकसद सीधे सीधे साफ तौर पर इसे ध्रुवीकरण के रूप में देखेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव जो है यहाँ पर खेला गया है। दुर्गेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए, जानकारी देने के लिए। कमेटी यूसीसी बनाने पर प्रस्ताव पेश करेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, उत्तराखंड के बाद गुजरात में लागू यूसीसी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, सीएम के पास कमेटी बनाने का प्रस्ताव, आपको बता दें कि यूसीसी को सबको समान अधिकार, ये अहम बात कही है रूपाला ने। आपको बता दें कि गुजरात कैबिनेट ने ये एक बड़ा फैसला लिया है, जहां एक और तारीखें निश्चित हो गई हैं वोटिंग की, और उसी बीच ये एक बड़ा फैसला आया, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, इस 6 महीने के कार्यकाल को आप किस तौर पर देख रहे हैं? प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, जनता का भरोसा हमारी सरकार पर बढ़ा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी। अभी क्या, अभी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे पास सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं, 17 एयरपोर्ट्स हमारे संचालित होने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हुआ है, अस्पतालों में चिकित्सक बैठ रहे हैं, समय से उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, जाँचें हो रही हैं। लेकिन अभी भी सर काफ़ी कुछ बदलना बाकी है। अभी हम लगातार काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को रोड मैप के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? अब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं जी। पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भारत आकर के, उत्तर प्रदेश आकर के यहाँ अपना उद्योग लगाएंगे और हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी होगी। पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं राष्ट्र हित। मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है मंगतपुरम। ये इलाका काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस इलाके में जीवन यापन आसान नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। इन दिनों इस इलाके में पुलिस वालों का IB का आना जाना बढ़ गया है, LIU का आना जाना बढ़ गया है। लोग डरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का गिरोह काम कर रहा था। इस गिरोह ने गरीबों को ईसाई बनाने के लिए योजना बनाई और इस योजना में ये कामयाब भी हो गए। करीब 400 लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। मामला तब सामने आया जब शुक्रवार को भाजपाइयों ने SSP ऑफिस पर हंगामा किया। खुलासा हुआ कि दिल्ली के महेश पास्चर ने लॉकडाउन के दौरान झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की आर्थिक मदद की और खाने पीने की व्यवस्था कराई और इसके एवज में उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और दिवाली पर उनको पूजा करने से रोका गया। घर में लगे देवी देवताओं के पोस्टर हटाने के लिए कहा गया। इस मामले को लेकर SSP के निर्देश